अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने ब्रायोफाइटा का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो डिस्कस करना है। दैट इज़ द सेकंड सब डिवीजन ऑफ ब्रायोफाइटा, जिसका नाम है आपके सामने ब्रायोसिडा। ठीक है, इनको हम कॉमनली मॉसेस भी कहते हैं। ये मॉस प्लांट्स होते हैं, बहुत मशहूर हैं। इनका नाम नाइन्थ में भी आता है, टेंथ में भी आता है, और अब फर्स्ट ईयर में भी। ये वो एक्चुअल मॉस प्लांट्स हैं जिन बार बार नहीं, टेंथ में भी एक जगह वैस्कुलर टिश्यू स्टिल नहीं है। ये नॉन वैस्कुलर प्लांट्स की सेकेंड सब डिवीजन है। हैबिटेट हम इनका देख लेते हैं। हैबिटेट का मतलब है ये पौधे कहाँ पे पाए जाते हैं, मीन ये रहते कहाँ पे। बुक के मुताबिक डैम्प प्लेसेस पे रहते हैं, लेकिन ये ड्राई प्लेसेस पर भी रह सकते हैं। आमतौर पर ये कहाँ रहते हैं, डैम्प में, यानी गीली पानी वाली जगहों पे रहते हैं, लेकिन ये ड्राई प्लेसेस में भी रह सकते हैं। बेशक ड्राई में रहें, पानी इनके लिए फिर भी ज़रूरी है। जो मैंने कल बताया आपको, पानी के बगैर इनकी रिप्रोडक्शन नहीं हो सकती। सो वाटर इज़ एसेंशियल, अगेन वाटर इज़ एसेंशियल। आमतौर पर जो इनकी अपेयरेंस होती है, सेकंड जो आपने बताना है कि इनकी अपेयरेंस कैसी होती है, ये कुशंस की फॉर्म में, या मैट्स की फॉर्म में नज़र आते हैं। कुशंस की फॉर्म में या मैट्स। कुशंस नरम सी चीज़ को बोलते हैं, जैसे तकिए को भी हम आमतौर पर कुशन कहते हैं, मैट कालीन टाइप चीज़ होती है। तो ये इस तरह के नज़र आते हैं, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था इन पौधों के पास पत्ते, जड़ें और प्रॉपर स्टेम्स नहीं है, तो ये सिंपल सिंपल से नज़र आएंगे। तो ये वाले पौधे भी कैसे नज़र आ रहे हैं, दे लुक लाइक कुशंस या मैट्स, यानी ये तकिया टाइप नरम नरम सा अपीयरेंस शो करेंगे। हैबिटेट हो गया, अपीयरेंस हो गई। उसके बाद आपने बताना है कि इनकी दोनों जनरेशन्स कैसी होती हैं और क्या करती हैं। आपको मैंने बताया हुआ ना, एक नस्ल थोड़ी बड़ी होती है और इंडिपेंडेंट, दूसरी उस पर डिपेंड करती है और छोटी होती है। तो कल की तरह यहाँ पर भी जो गेमेटोफाइट है वो इनकी प्लांट बॉडी है। वो क्या है जी, प्लांट बॉडी है, मीन वो बड़ी है। जो प्लांट बॉडी होती है ना वो बड़ी होती है, तो दूसरी जनरेशन है वो उस प्लांट बॉडी के अंदर ही कहीं ना कहीं होती है छोटी सी। तो गेमेटोफाइट इनकी प्लांट बॉडी है, और आमतौर पर ये हैप्लॉइड होती है, 1N होती है, और इसके पास ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो स्टेम और लीव से मैच करते हैं। स्टेम एंड लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, एग्जैक्ट लीव्स नहीं है, पत्तों की तरह स्ट्रक्चर है। मीन वो ग्रीन ग्रीन से वो जो नरम नरम से स्ट्रक्चर्स हैं, दे विल रिजेंबल स्टेम एंड लीव्स। और रूट्स की जगह आपको मैंने कल बताया था, वही चीज़ अगेन है। रूट्स की जगह कौन है, राइजॉइड्स हैं। मीन थोड़े से उनसे तो एडवांस हुए ना, थोड़े से उनसे एडवांस हुए कि उनके पास तो फॉल्स स्टेम लीव था, वो भी कुछ कुछ के पास। इनमें से कम अज़ कम कुछ के पास स्टेम और लीव की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं और राइजॉइड्स हैं। ये गेमेटोफाइट की पार्ट्स हैं, गेमेटोफाइट पे ही ये चीज़ें लगी होंगी। राइजॉइड्स ने क्या करना, कल बताया था आपको, ये चूंकि जड़ों की तरह, राइजॉइड्स किन की तरह, जड़ों की तरह, तो जड़ों वाला काम ये यहाँ पर भी कर रहे होंगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स इनकी आगे आपने बतानी है। एग्जाम्पल्स दो एग्जाम्पल्स आपकी बुक में लिखी हैं, फोनेरिया और पोलिट्रिकम, दो इनकी यानी मोसिस प्लांट्स की एग्जाम्पल हैं, फ्यूनेरिया एंड पोलिट्रिकम। ठीक है, कभी कभी जो इनके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, एंथेरिडिया और आर्किगोनिया, वो डिफरेंट ब्रांचेस पर होते हैं सेम प्लांट के, और कभी कभी प्लांट ही डिफरेंट होता है। कभी कभी यानी आपको मैं अगर नाम बताऊं, एक होता है मेल पार्ट एंथेरिडिया, और एक होता है फीमेल पार्ट जिसको हम कहते हैं आर्किगोनिया। ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं गेमेटोफाइट के, ये मैंने आपको कल बताया था।
एंथेरिडिया और आर्किगोनिया, अगर एक ही प्लांट की डिफरेंट टिप्स पे हो, प्लांट एक ही हो लेकिन उनकी टिप्स क्या हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं, तो उसकी हम एग्जांपल लेते हैं फ्यूनेरिया। अगर दोनों किस पे हो, सेम प्लांट पे हो, सेम प्लांट पे हो, तो इनकी एग्जांपल क्या बनेगी, फ्यूनेरिया। अगर ये डिफरेंट प्लांट्स पे रहो, मेन एक पे एंथेरिडिया हो और आर्किगोनिया किसी और प्लांट पर हो, तो इसकी एग्जांपल बनेगी पोलिट्रिकम। मसलन ये अगर पौधा है, ठीक है, ये पौधा है पूरा, ये एक दूसरा पौधा है, ठीक है, ये दूसरा पौधा है। अगर एंथेरिडिया और आर्किगोनिया एक ही पौधे पे हो, एक ही पौधे पे और दो डिफरेंट टिप्स पे हो सकते हैं लेकिन पौधा सेम हो, पौधा क्या हो, सेम, तो ऐसे प्लांट का नाम फ्यूनेरिया। और अगर एक एंथेरिडिया इस प्लांट पर हो और आर्किगोनिया इस प्लांट पर हो, तो दो डिफरेंट पौधों पे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हैं, तो इस तरह की एग्जांपल किया पोलिट्रिकम। पोलिट्रिकम स्पीशीज के अंदर दो डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर एंथेरिडिया और आर्किगोनिया होते हैं, और फ्यूनेरिया के अंदर सेम प्लांट पर एंथेरिडिया और आर्किगोनिया होते हैं, ठीक है। समटाइम्स एंथेरिडिया और आर्किगोनिया जो है ये मिक्स हो जाते हैं विद स्टीराइल हेयर, बालों की तरह ना पतले पतले से स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके अंदर ये मिक्स हुए होते हैं। इन हेयर्स को हम पैराफाइसिस कहते हैं, ऐसे हेयर्स जिनके साथ एंथेरिडिया और आर्किगोनिया मिक्स हुए हों, उन हेयर्स को हम क्या कहते हैं, पैराफाइसिस। अक्सर इस तरह के पौधों में हमें ना बालों की तरह हेयर नुमा स्ट्रक्चर नज़र आते हैं, और उनके अंदर ये दो जो पार्ट्स हैं रिप्रोडक्टिव, एंथेरिडिया और आर्किगोनिया, मिक्स हुए होते हैं, तो इस तरह के हेयर्स को हम क्या कहते हैं, पैराफाइसिस। ये इन प्लांट्स का एक ख़ास करेक्टर है। अगर आपसे क्वेश्चन में आए एमसीक्यूज में कि पैराफाइसिस जो होते हैं वो किस प्लांट का ख़ास स्ट्रक्चर है, किस प्लांट का ख़ास करैक्टर है, तो आपने बताना है कि ये मोसिस का ख़ास करैक्टर है। मोसिस जो है वो पैराफाइसिस बनाते हैं, ठीक है। सिंपल सा आंसर है, ये क्या होते हैं, ये हेयर हैं जिन हेयर्स के अंदर एंथेरिडिया और आर्किगोनिया मिक्स हुए होते हैं, ठीक है। गेमेटोफाइट हो गया, अब रह गया क्या, स्पोरोफाइट। गेमेटोफाइट के एंड पे एक बात बता दूं, गेमेटोफाइट में एंथेरिडिया ने बनाना है स्पर्म और आर्किगोनिया ने बनाना है एग। मेल गेमेटोफाइट अब ये कहलाएगी एंथेरिडिया और फीमेल गेमेटोफाइट कहलाएगी आर्किगोनिया, अगर दो डिफरेंट पौधे हैं तो। इन दोनों की फर्टिलाइजेशन से जो स्पोरोफाइट बनेगी उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये चूंकि फर्टिलाइजेशन से बन रही है तो ये 2-1 है, ये क्या है जी, 2-1। ये अब कैसी होती है, स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाती है। स्पोरोफाइट क्या बनाती है, स्पोर्स बनाती है, स्पोर्स मियोसिस से बनाती है, और ये 1N होते हैं, क्या होते हैं जी, 1N। जब भी मियोसिस होती है तो वो 2N को 1N में, यानी क्रोमोसोम्स के नंबर को हाफ कर देती है, दो सेट्स में से एक सेट जो है वो कर देती है। ये मियोसिस की खास बात है। स्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं तो डायरेक्ट गेमेटोफाइट नहीं बनती, स्पोर्स जब जर्मिनेट करते हैं तो पहले बनता है एक प्रोटोनीमा। ये एक एल्गा लाइक स्ट्रक्चर है, एलजी की तरह, थैलस की तरह। इस थैलस के ऊपर एक बनता है बर्ड, और ये बर्ड बाद में जाकर, फ्यूचर में जाकर गेमेटोफाइट बनाता है। तो एक स्टेप एक्स्ट्रा है, स्पोर डायरेक्ट गेमेटोफाइट में जर्मिनेट नहीं होता, स्पोर जो है वो डायरेक्ट गेमेटोफाइट में जर्मिनेट नहीं होता।
अनलाइक ऑफ जो हमने कल पढ़ा था लिवर वर्ट्स का टॉपिक, उसमें स्पोरोफाइट जर्मिनेट करके सीधा गेमेटोफाइट बनाते हैं। यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं कि पहले स्पोर कन्वर्ट होता है एक एलजी की तरह स्ट्रक्चर के अंदर, उसके ऊपर एक फिर बड बनता है, और बड से फिर क्या बनती है, गेमेटोफाइट बनती है। ठीक है, अगर हम इसको ड्रॉ करके चेक करें तो इसका लाइफ साइकिल ड्रॉ हो जाएगा। लाइफ साइकिल हम स्टार्ट करते हैं जी कहाँ से, हम स्टार्ट करते हैं पेरेंटल प्लांट से। ठीक है, पेरेंटल प्लांट गेमेटोफाइट होता है। पेरेंटल प्लांट का अगर गेमेटोफाइट है तो उस गेमेटोफाइट के अंदर स्पोरोफाइट होगा, स्पोरोफाइट ये उस पौधे के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, पौधे के ऊपर क्या है जी, मैचोर स्पोरोफाइट। ये एक पेरेंट प्लांट है, ये क्या है जी, एक पेरेंट प्लांट है, और इस पेरेंट प्लांट के ऊपर कहीं पे स्पोरोफाइट मौजूद है। इस स्पोरोफाइट से बनेंगे स्पोर, दीज आर व्हाट, दीज आर द स्पोर्स बाय मियोसिस। देखें पेरेंट प्लांट के अंदर जो स्पोरोफाइट है उस स्पोरोफाइट से क्या बने हैं, स्पोरोफाइट हो तो होती कहाँ पे है, स्पोरोफाइट बिल्कुल उनके टिप्स पर होती है, और स्पोरेंजियम भी होता है उसके ऊपर, स्पोरेंजियम के अंदर जो है वो स्पोर बनते हैं। ठीक है, अब ये जो स्पोर्स हैं ये डायरेक्ट जर्मिनेट नहीं करते, ये पहले जर्मिनेट करके बनाते हैं एक एलजी की तरह स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिनको हम यहाँ पे प्रोटोनीमा कहेंगे। ये प्रोटोनीमा है, ठीक है, ये प्रोटोनीमा है। प्रोटोनीमा के ऊपर बनता है बड, प्रोटोनीमा के ऊपर क्या बनता है, बड। ये इसका बड बना, जब इसका बड बनता है तो बड फिर कन्वर्ट होता है गेमेटोफाइट में। गेमेटोफाइट इनकी प्लांट बॉडी है। गेमेटोफाइट की खास बात यह है कि अब गेमेटोफाइट अगर पॉलीट्रिकम है तो दो गेमेटोफाइट्स होंगी, ये मैं मान लेता हूँ मेल गेमेटोफाइट है, और ये मैं मान जिसके ऊपर कोन लगी हुई है फीमेल गेमेटोफाइट, यानी इसके ऊपर एंथ्रीडिया लगा हुआ है और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, आर्किगोनिया। एंथ्रीडिया से बनेंगे स्पर्म और आर्किगोनिया से बनेंगे एग, अगेन वही चीज। ठीक है, तो हम लिख देते हैं मेल के ऊपर कौन है एंथ्रीडिया और फीमेल के ऊपर कौन है आर्किगोनिया। एग और स्पर्म जब मिल जाएंगे तो उनकी दोबारा से फर्टिलाइजेशन होगी और इनसे बनेगा जायगोट, जो कि 2n होगा, चूंकि एग भी 1n था और स्पर्म भी क्या था 1n और 1n थे ना ये, और इन दोनों को मिलाने से जब जायगोट बना तो ये 2n बन गया। जायगोट कन्वर्ट होता बाद में स्पोरोफाइट में। तो फर्क कहाँ पे आया, यहाँ दो फर्क आया, एक ये कि मेल फीमेल पार्ट्स अलग अलग पौधे पर भी हो सकते हैं, और दूसरा फर्क ये है कि स्पोर ने डायरेक्ट गेमेटोफाइट नहीं बनाई बल्कि पहले क्या बनाया, प्रोटोनीमा। दिस इज द प्रोटोनीमा, दिस इज द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस प्लांट। इसमें और कल वाले प्लांट में जो डिफरेंस था वो आप देख सकते हैं, छोटा सा डिफरेंस है कि मेल फीमेल अलग भी हो सकते हैं अलग अलग पौधों पर, जिस तरह फिर मेल और फीमेल गेमेटोफाइट भी हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। और स्पोर्स डायरेक्ट गेमेटोफाइट बनाने के बजाय पहले क्या बनाते हैं, एलजी की तरह एक प्रोटोनीमा बनाते हैं। ठीक है, इस तरह फिर लाइफ साइकिल क्या होता है, कंप्लीट होता है। दिस इज ऑल अबाउट मॉसेस। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है आज का आखिरी, एंथोसिरोसिडा। एंथोसिरोसिडा, ठीक है, एंथोसिरोसिडा को हम हॉर्नवर्ट्स भी कहते हैं, हॉर्नवर्ट्स। पहला हमने जो कल ग्रुप पढ़ा वो लिवरवर्ट्स था, आज जो पढ़ा है वो मॉसिस है, और अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हॉर्नवर्ट्स है, जिनको हम टेक्निकली कहते हैं एंथोसिरोसिडा। ठीक है, और इनका जो कॉमन नेम है वो है हॉर्नवर्ट्स ड्यू टू देयर रिजेंबलेंस विद हॉर्न्स। इनके ना सिंगों जैसी अपीयरेंस होती है, अगर आप डायग्राम में देखें ए डायग्राम पेज 137 पे, तो ऐसे लग रहा है जैसे सिंग से नहीं निकले हुए हैं, ग्रीन ग्रीन से, तो वो सिंग लाइक
अपेरेंस की वजह से हम इनको क्या कहते हैं, हॉर्न वर्ड्स कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है, ये सबसे ज़्यादा एडवांस्ड है। इनके कुछ ऐसे करैक्टरिस्टिक्स हैं जो इनको एडवांस बनाते हैं, वो हमने स्टडी करने हैं। गेमेटोफाइट के बारे में स्टडी कर लेते हैं पहले, एक तो एडवांस है ये। गेमेटोफाइट कैसी होती है, गेमेटोफाइट के बाद हम स्पोरोफाइट को स्टडी करेंगे। गेमेटोफाइट की खास बात ये है कि ये लूप्ड है, मीन इसके हिस्से होते हैं, हाईली लूप्ड है। लूप कहते हैं हिस्से को, इसके हिस्से होंगे, मीन ये कठी नहीं होगी, इसके हिस्से जैसे ना हमारे दिमाग के हिस्से बने हुए होते हैं, लूप्स बनी हुई होती हैं, तो इसके भी क्या बने होंगे, लूप्स बने होंगे, बड़ी इरेगुलर होगी और इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी जितनी पिछले दो ग्रुप्स में बड़ी है। और बात यह है कि जो एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया है वो गेमेटोफाइट पे ही होंगे, एंथ्रीडिया मेल और आर्किगोनिया फीमेल, वो पार्शली इसके अंदर होंगे, मुकम्मल तौर पर इसमें नहीं होंगे। एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया पार्शली संकन होंगे, पार्शली धंसे हुए होंगे गेमेटोफाइट के अंदर, ठीक है। और उसके बाद जो इनके गेमेटोफाइट के दोनों पार्ट्स हैं, एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया, एंथ्रीडिया बनाएंगे स्पर्म और आर्किगोनिया बनाएंगे एग, तो मिलकर इनका जो जैगोट बनेगा वो जैगोट अल्टीमेटली डिवाइड होगा और स्पोरोफाइट बना देगा। अब स्पोरोफाइट के पास ऐसे कौन से कमाल करेक्टरिस्टिक्स हैं वो चेक करते हैं। एग क्या था, अब तो आपको याद हो गया होगा, 1N, स्पर्म भी क्या था 1N, जैगोट क्या 2N, तो स्पोरोफाइट भी क्या होगा 2N। स्पोरोफाइट की खास बातें हैं, एक्चुअल में इन पौधों को एडवांस कहा ही क्यों है, स्पोरोफाइट की वजह से। स्पोरोफाइट पिछले दोनों ग्रुप्स में गेमेटोफाइट पे डिपेंडेंट थी, यानी ये इतनी छोटी है, ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकती थी और इसकी पानी की कंजर्वेशन नहीं हो रही थी, इसकी डिवीजन इतनी नहीं हो रही थी, इसकी इसका साइज़ नहीं बढ़ रहा था, तो अब ये सारे काम करने शुरू करेगी, और दैट इज़ वाई अगले ग्रुप्स के अंदर स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट से बड़ी होगी। यहाँ से ये चीज़ शुरू हो गई है, इस ग्रुप से स्पोरोफाइट अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश कर रही है। जब स्पोरोफाइट पैदा होती है तो शुरू में गेमेटोफाइट पे डिपेंड करती है, लेकिन बाद में डिपेंड नहीं करती, डिपेंडेंट अर्लियर इन लाइफ, जब इसकी लाइफ शुरू होती है ना, तो बस थोड़ी देर के लिए ये गेमेटोफाइट पर डिपेंड करती है, उसके बाद इसके पास ऐसे करैक्टर्स आ जाते हैं जिनसे ये डिपेंडेंट नहीं रहती। मसलन सबसे पहले तो इसके पास आते हैं स्टोमेटा से ये स्टार्ट कर देती है गैसियस एक्सचेंज, यानी इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड आना शुरू हो जाएगी, ये फोटोसेंसिस करना शुरू हो जाएंगे। फोटोसेंसिस के लिए क्या चाहिए, दे शुड हैव क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट वो ऑर्गेनेली है जो फोटोसेंसिस करवाता है, वो पहले वाले ग्रुप्स की स्पोरोफाइट के पास नहीं था। क्लोरोप्लास्ट हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि ये फोटोसेंसिस करवाता है, तो इनके पास क्लोरोप्लास्ट आ जाएगा। क्लोरोप्लास्ट फिर इनको क्या करके देगा, क्लोरोप्लास्ट इनके एपिडर्मल सेल में आएगा और एपिडर्मिस के जो टिश्यू के सेल्स हैं वो इनके लिए फोटोसेंसिस करेंगे, खुराक तैयार करेंगे। पानी भी चाहिए फोटोसेंसिस करने के लिए, पानी को बचाने के लिए दे हैव क्यूटिकल। इनकी एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर बनेगी जो क्यूटिकल कहलाती है, और हमें पता है क्यूटिकल का काम क्या है, क्यूटिकल का काम पानी को उड़ने से बचाना है। पत्ते की सरफेस पे उसकी सतह पे ये लेयर होती है और ये पानी को ज़ाया होने से बचा, तो पानी भी आ रहा है, स्टोमेटा से गैसेस एक्सचेंज भी हो रही है, क्लोरोप्लास्ट फोटोसेंसिस भी कर रहे हैं, फिर तो ये अपनी खुराक खुद तैयार करेगी। सो इट बिकम्स ऑटोट्रॉफ, ये ऑटोट्रॉफ बन जाती है, क्या बन जाती है, ऑटोट्रॉफ। अब अगर इनके अंदर जो फुट और सेटा है
जो हमने पहले ही बताया था स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन है, वहाँ पर इनके पास डिवीजन के लिए मेरिस्टमैटिक टिश्यू आ गया, ये भी हमने बचपन में पढ़ा हुआ है। ऐसा टिश्यू जो सेल डिवीजन कराता है, ग्रोथ करवाता है, साइज बढ़ाता है, उस टिश्यू का नाम है मेरिस्टमैटिक टिश्यू, मेरिस्टमैटिक टिश्यू। जब ये टिश्यू आ जाएगा तो ये टिश्यू क्या करवाएगा, ये इसकी सेल डिवीजन करवाएगा और सेल डिवीजन से इसकी ग्रोथ होगी और ग्रोथ से इसका साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब इसका साइज बढ़ेगा तो ये गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट नहीं रहेगी, ठीक है। और इसकी जो लेंथ है वो बढ़ती चली जाएगी। तो जो अगले ग्रुप्स होंगे ना हमारे पौधों के, उनमें हम देखेंगे कि स्पोरोफाइट जनरेशन जो नस्ल है गैमेटोफाइट से ज़्यादा बड़ी हो गई है। मीन शुरू वाले पौधों में गैमेटोफाइट बड़ी है, अब यहाँ से स्पोरोफाइट के अंदर वो चीज़ें आ गई हैं जिन चीज़ों से कोई भी जो स्ट्रक्चर है वो इंडिपेंडेंट बनता है। इन चीज़ों के आने से पहले ये डिपेंड करती थी गैमेटोफाइट पे, लेकिन इन चीज़ों के आने के बाद ये अपने पाँव पे खुद खड़ी हो गई है, तो अब ये डिपेंड नहीं करेगी। तो एग्जांपल इसकी देख लेते हैं क्या है। एक खूबसूरत सी एग्जांपल है एंथोसिरोस, ठीक है, इसके पौधे का नाम है। ये हमारे पहाड़ी इलाकों में भी पाया जाता है, जो पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके हैं ना उनके अंदर भी एंथोसिरोस पाया जाता है, ठीक है। तो इन चारों करैक्टरिस्टिक्स की वजह से इनके अंदर अब डिपेंडेंसी नहीं रही, अब ये अपने पाँव पे खुद खड़ी हो गई हैं। दे हैव गट्स, दे हैव एबिलिटीज, दे हैव इंक्रीज देयर साइज, फास्ट ग्रोथ इनकी हो चुकी हुई है ड्यू टू बैंड ऑफ मेरिस्टमैटिक टिश्यू। ये कहाँ होता है, फुट और जहाँ पे स्पोर बनते हैं ना उनके दरमियान में जो जंक्शन है वहाँ पे ये मौजूद है। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें से अगर आपने कोई क्वेश्चन करने हैं तो कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन करें ताकि मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर दे सकूं, उसके बाद हम लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। जल्दी जल्दी क्वेश्चन करें तमाम बच्चे, कमेंट्स करें और कमेंट करके वो बातें पूछें जो आपने पूछनी है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आने, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन ही आने हैं। पैराफाइसिस बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, प्रोटोनीमा बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, और एडवांस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंथोसिरोसिडा बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि व्हाई स्पोरोफाइट ऑफ एंथोसिरोसिडा इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन या डिपेंडेंट फॉर लेस टाइम या अर्लियर इन लाइफ। तो आपने बताया इनके पास ऐसे करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। हैबिटेट हिली एरियाज हैं, इसका जो हैबिटेट है वो हिली एरियाज हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है आखिरी लाइन के अंदर। इसके अलावा कोई क्वेश्चन करना है तो जल्दी से कर लें, फिर हम इस लेक्चर को ख़त्म कर देंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चनिंग करें ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और आपके जो बाकी फेलोज हैं वो भी क्वेश्चनिंग से सीखते हैं। हर बंदा ही क्वेश्चनिंग से ज़्यादा सीखता है, ठीक है, इवन मैं भी सीखता हूँ। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन वैसा ही था, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब गैमेटोफाइट गिव राइज टू स्पोरोफाइट एंड स्पोरोफाइट गिव राइज टू गैमेटोफाइट, ठीक है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का फ़र्क आया लेकिन वो इतना नहीं है। हाँ जी, कोई कमेंट नहीं है, नवीद ने कमेंट नहीं किया अभी तक, मियाँ ने कमेंट नहीं किया, हाँ जी उमर ने, जैन ने क्वेश्चन कर लिया है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। आयशा ने अभी तक कोई कमेंट नहीं किया, आयशा ने काफ़ी दिनों से कोई कमेंट नहीं किया, वेयर आर यू, आप कमेंट करके बताएं कि आपने लेक्चर पिछले मिस किए हैं या नहीं किए, जल्दी से बताएं। बेटे आपको ये जब मैं खुद घर जाके इनको पढ़ता हूँ ना तो मुझे क्लियर नज़र आ रहा होता है।
जिनको क्लियर नहीं नज़र आ रहा होता वो अपने मोबाइल की ब्राइटनेस या अपने लैपटॉप की ब्राइटनेस बढ़ा लें, ठीक है। एक बच्चे ने क्वेश्चन किया कि इसके स्पोरोफाइट भी बता दें, ये स्पोरोफाइट ही तो है सारा, और क्या, ठीक है। हाँ जी, आयशा से मैंने कहा था कि आप बताएं कि आपने पिछले लेक्चर लिए हैं, पहले आप बहुत एक्टिव थी लेकिन अब आपके कोई कमेंट्स वगैरह नहीं आते, तो उसकी रीज़न बता दें ताकि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो टाइम पे सॉल्व की जा सके। हाँ जी, वेयर वर यू इन प्रीवियस लेक्चर्स? और किसने कहा? अच्छा जी, आपको भी नहीं क्लियर नज़र आ रहा। चलें, नेक्स्ट टाइम मैं इसको डार्क करने की लिखने की कोशिश करूँगा, वैसे इतना लाइट है नहीं। अगर आप ब्राइटनेस बढ़ाने वाला फार्मूला अप्लाई करें तो मेरा ख्याल है कि आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं। अच्छा, आप एक ने कहा तो अब सारे शुरू हो गए हैं, क्लियर नहीं नज़र आ रहा। मैं घर जाके ख़ुद भी चेक करूँगा, ठीक है। जब आप जूम करते हैं या जब आप ब्राइटनेस बढ़ाते हैं तो हर चीज़ क्लियर हो जाती है। हाँ जी, आंसर नहीं दिया जिससे मैंने अभी 2-3 मरतबा क्वेश्चन किया। अलीज़ा ने कहा कि शी इज़ नॉट हेयर बट शी इज़ ऑनलाइन, उसके ऊपर ग्रीन कलर आ रहा है। सर, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में डिके ऑफ गेमेटोफाइट होता है। डिके ऑफ गेमेटोफाइट का मतलब है कि अगर गेमेटोफाइट मर जाए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि जब गेमेटोफाइट मर जाए तब भी क्या नाम है, स्पोरोफाइट मरती नहीं है और वो कंटिन्यू रहती है, ग्रो करती है, इसका मतलब वो डिपेंड नहीं कर रही, इसका ये मतलब है। इसका मतलब मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर गेमेटोफाइट मर जाए, डिके हो जाए, तो उसके बाद भी स्पोरोफाइट ग्रो करती रहती है, इसका मतलब ये है कि वो डिपेंड नहीं कर रही। अगर डिपेंड कर रही होती तो गेमेटोफाइट के डिके होने के बाद खुद भी क्या हो जाती, डीके हो जाती, ठीक है। एक बच्चे ने बहुत ही मजाक वाला और जुगत वाला सवाल किया, पढ़ा क्या रहे हैं, और ये लिखा हुआ टॉपिक का नाम एंथोसिरोसिडा, ठीक है। एक पढ़ाया है ब्रायोसिडा और एक पढ़ाया है एंथोसिरोसिडा। हाँ जी, और कोई क्वेश्चंस? नो क्वेश्चंस? आपके पास 1 मिनट और है क्वेश्चन करने के लिए, उसके बाद आज का लेक्चर वाइंड अप हो जाएगा, ठीक है। स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन्स कौन से होते हैं? जैन ने क्वेश्चन किया है कि स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन्स कौन से हैं, द रीजन्स विच प्रोड्यूस स्पोर्स, और वो स्पोरेंजियम होते हैं वहाँ पे, वो जो थैली टाइप स्ट्रक्चर होते हैं ना, कैप्सूल टाइप, वहाँ पे स्पोर बन रहे होते हैं, तो वो स्पोर बनाने वाले रीजन्स को हम क्या कहते हैं, स्पोर प्रोड्यूसिंग रीजन्स, ठीक है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? चलें, टेस्ट आप लोगों का अब इसमें से स्टार्ट होना है, ठीक है, बल्कि हो चुका हुआ है टेस्ट में। आप लोगों ने कल वाले टॉपिक में से भी आंसर करने हैं। अब मैं ऐसे ही किया करूँगा, अब मैं आपके प्रीवियस लेक्चर से भी एमसीक्यूज ऐड किया करूँगा ताकि आपकी तैयारी अच्छी से अच्छी हो जाए, ठीक है जी। तो एमसीक्यूज अब सॉल्व करें ताकि जी, टेस्ट का सवाल आने से पहले मैंने ऐलान कर दिया कि आपका टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट्स, 3 मिनट आपके पास एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन जो है वो आपका आज के टॉपिक से नहीं है, तो आपने इसको ध्यान से देख के सॉल्व करना है। कल के बल्कि पिछले जो 1-2 टॉपिक्स हैं उनको आप रिवाइज कर लिया करें। मैं आपके 2-3 टॉपिक्स का 1 दिन के बाद, यानी 2-2 दिन के बाद आपका टेस्ट लिया करूँगा। ये ज़्यादा आसान है ताकि आपकी तैयारी भी हो जाए और आपको पता चल जाए कि किस टॉपिक से किस तरह के एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये वो एमसीक्यूज हैं जो बोर्ड के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हर पंजाब बोर्ड के अंदर ये रिपीट होते हैं
और आपको भी ये वाले एमसीक्यूज बोर्ड में आने के पूरे चांस हैं, और आप लोगों के स्टैंड अप भी होने वाले हैं उनके लिए भी आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और जो बच्चे हमें फेसबुक पे या यूट्यूब पे सुन रहे हैं उनको टेस्ट शो नहीं होगा, वो टेस्ट को सॉल्व करने के लिए campus.pk कैंपस, ये लिख देता हूँ मैं, campus.pk की वेबसाइट पर हैं, वहाँ पर आपको एमसीक्यूज का टेस्ट शो होगा, तो वो सॉल्व भी करें और वहाँ पे आप हमारे कमेंट्स देख भी सकते हैं और ख़ुद भी कमेंट करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट आपका ख़त्म होने में 1-1.5 मिनट रह गया, जल्दी से इसको सॉल्व कर लें, उसके बाद आपके इस लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद एक आपके लिए छोटा सा ऐलान है कि आपका एक ग्रैंड टेस्ट फ्राइडे को मैं ऑर्गेनाइज करूंगा, जिसमें आपके 20 एमसीक्यूज आएंगे और वो टेस्ट होगा चैप्टर नंबर 7 और 8 का। आपकी सजेशंस मैंने ली थी लास्ट टाइम, तो उन सारी सजेशंस को देखकर और आपका फ़ायदा देखकर मैंने अब आपका चैप्टर नंबर 7 और 8 का टेस्ट रखा है और वो इस फ्राइडे को होगा। ठीक है, आपको नोटिफिकेशन में भी शो हो जाएगा और जो नोटिस बोर्ड है, मीन ऑनलाइन नोटिस बोर्ड, वहाँ पर भी आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा कि ग्रैंड टेस्ट आपका फ्राइडे को है और उसका जो सिलेबस है वो है चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8, टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ दिस बुक, 7 एंड 8। और ये होगा आपके पास 3 दिन है इसको तैयार करने के लिए, चैप्टर नंबर 7 और 8 को अच्छी तरह तैयार कर लें। अगर आपने एमसीक्यूज अच्छी तरह तैयार कर लिए तो आपके शॉर्ट और आपके लॉन्ग क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएंगे। टेस्ट हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका हुआ है, अब आप लोग अपने रिजल्ट्स को शेयर कर लें ताकि आप में से टॉपर्स का पता चलाया जा सके। हाँ जी, तो कितने कितने मार्क्स आए हैं बच्चों के? 5 नंबर आज सिर्फ हानि ने लिए हैं, मिसबा ने 4, बाकी सालिहा ने 4 लिए हैं, जैन ने, फातिमा ने, बाकी बच्चों ने 4-4 लिए हैं, 2-3 वाले भी हैं, तो कोशिश करें इसको मज़ीद अच्छा कर लें और नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनके भी इसी तरह हम 2-2, 3-3 टॉपिक्स के इकट्ठे टेस्ट लिए करेंगे, तो ये अंडरस्टूड होगा कि आपके एमसीक्यू उस टॉपिक से भी आएंगे और पिछले 1-2 टॉपिक से भी आया करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म हो गया, अब हम कल कंटिन्यू करेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के साथ, तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।